अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जग प्रभु प्राप्ति के सहज अनुभव प्रभु प्राप्ति के सहज अनुभव राजयोग सुने सुन कर खुद चिंतन करे राजयोग की विधि सीख कर सहज अनुभव खुद भी करे खुद भी करे खुद भी करे खुद भी करे। ओम शांति विशांत भाई। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम। आज विशांत भाई दुबई से हैं और आज हमें आपका ये विशेष अनुभव अलौकिक जीवन का अनुभव सुनने का मौका मिला है तो हम आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं और आपसे हम आज आपका अनुभव सुनेंगे। ओम शांति। आज अपना अलौकिक अनुभव सुनाने के लिए मुझे निमंत्रण दिया उसके लिए भी थैंक यू और आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है क्योंकि मेरा जो अलौकिक जीवन माना बचपन का दिन याद करने का भी दिन है आज तो मैं अपना अनुभव बहुत उमंग उल्लास से खुशी से और नशे से आप लोगों के सामने हम रखेंगे। मुझे ये ज्ञान प्राप्त होकर 21 साल हुआ 2000 में मुझे ये ज्ञान मिला है। जैसे लौकिक परिवार में माँ बाप और मैं और मेरा भाई एक बहन ये हमारा फैमिली है उसमें फादर को पहला ज्ञान मिला। फादर हमारे गांव में थोड़ा सा मुख्य था तो फादर को एक चिट्ठी से निमंत्रण मिला ये एक शिविर चल रहा है आप आओ और सुनो। तो फादर ने ये सब सुना तो फादर को बहुत अच्छा लगा। फादर ज्ञान में जाना शुरू कर दिया तो मम्मी ने पूछा कहाँ जा रहे हो तो फादर ने मम्मी को कहा बहुत एक विचित्र ज्ञान है और एक अभी तक हम लोग जो सुना वो नहीं है जो सत्य कुछ अलग बात है। तो मम्मी भी बोला तो मैं भी आ रहा हूँ। तो फादर और मदर बहुत उमंग उल्लास से रोज क्लास में जाते थे तो हमको बोलते थे आप लोग आओ ज्ञान सुनने के लिए। रोज घर में आके कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें भगवान की बातें सत्यु की बातें शेर और बकरी इकट्ठा पानी पीने का बात सब चलते थे तो हम लोग तो ऐसे मजाक करते थे मम्मी को और मेडिटेशन सिखाते थे। अब भी बोला हमको भी सिखाओ तो मम्मी को तो बहुत अच्छा अनुभव होता था मम्मी फादर दोनों को। उन्होंने मेडिटेशन में बैठने के टाइम बाबा का जो पॉइंट ऑफ लाइट का दिखता था और वाइब्रेशन उनको लगता था तो हमको बोलते थे आप लोग भी बैठो आपको भी सुन दिखेंगे। तो हम भी बैठते थे बहुत प्यार से फिर मम्मी को बोलते थे दिखाओ दिखाओ कैसे कैसे परमात्मा से लाइट आता है तो हमको तो नहीं मिलता था तो हम बोलते थे मम्मी आपके आंखों को कोई प्रॉब्लम होगा तो इसलिए ऐसे ऐसे लाइट दिखते हैं हमको तो नहीं दिखता है तो ऐसे हम लोग मजाक करते थे। तो फिर हमको भी बोलते थे आप भी जाओ सुनो मेरे फ्रेंड्स के साथ मम्मी ने बोलते थे आप लोग अभी समय अच्छा है आप लोग भी सुनो तो मैं सारा फ्रेंड्स को मना करते थे नहीं नहीं अभी नहीं जाना है हमारे एज थोड़े ही ये सब ज्ञान सुनने के ऐसे ऐसे चलने का समय। तो मैं पहले बहुत विरोधी होकर फ्रेंड्स बोलते थे चलो हम जाके देखे क्या है लेकिन मैं उन लोग मना करते थे नहीं जाना है ना हमारा एज थोड़ी है ऐसा हमको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें। तो फादर मदर को रोज जाते थे मुरली में तो उधर फादर का जो कैसेट शॉप भी था तो सिस्टर ने उधर मेडिटेशन कमेंट्री का रिकॉर्डिंग करने के लिए सब देते थे। तो
एक दिन फादर ने कहा तीर अच्छा होगा, तो मेरे को बोला एक मेडिटेशन का मैजिक कैसेट सेंटर से जो दिया है वो वापस उधर देना है, आप उधर उधर देके। तब मैं जॉब करता था दूसरे गांव में, तो आने की रास्ते में है जो ये जो सेंटर, तो मेरे को बोला आप देख क्या हो। तो फिर मैं बहुत गुस्सा किया, नहीं मेरे को नहीं जाना है, आपकी कारोबार आप जानो, हमको क्यों इसमें इन्वॉल्व करना है, ऐसे बोलते थे। फिर भी फिर ये आखिरी बार है, हम आगे से नहीं करूंगा, आप जो भी है सेंटर की कारोबार आप संभालो, हमको फ्री छोड़ो, ऐसे बोलते थे। फिर ये मैं बहुत गुस्से में गया था सेंटर पे, तो सेंटर में गया तो सेंटर के सामने एक भाई बैठ के जो बोर्ड में मुरली लिखते थे सुबह का मुरली, तो मैंने बोला इधर इस, वो भाई ने मेरे को बोला आज क्लास नहीं है, दूसरे दिन में आओ। तो मैं बोला क्लास के लिए नहीं आया, मैं एक सामान इधर देने के लिए आया है, फादर ने दिया। तो बोला तो ओके, तो सिस्टर को बुलाया, तो सिस्टर अंदर से आया, उधर एक अंबिका बहन था हमारे जो वो सेंटर में, गांव में नहीं, गांव से 17 किलोमीटर दूर में, तो उन्होंने मेरे को बुलाया अंदर। तो ओके, मैं तो अंदर गया तो कोई नहीं था सेंटर पे, हॉल में ऐसा बाबा का पिक्चर था, और मेरे को उधर हॉल में बिठाया, और बिठा के सिस्टर अंदर गया। तो उधर तो बहुत शांति का अनुभव था, ठीक है, मैं ऐसे गुस्से में बैठते थे थोड़ा। तो बहन जाके 10 मिनट भी हो गया, 15 मिनट हो गया, वापस ही नहीं आ रहे। मैं सोचा कुछ चाय वाय बना रहा होगा तो मैं ऐसे बैठ के ऐसे उधर उधर देखे, वो जो बाबा बाप दादा ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का जो पिक्चर है ना क्लास के सामने, तो इंडिया में तो लगाते, तो मैं ऐसे ऐसे देखा। तो देखते 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 मेरा मन परिवर्तन हो गया, जैसे मुझे कुछ खींच रहा का अनुभव हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जो ब्रह्मा बाबा का जो चेहरा देखकर, मुझे पता नहीं बाबा ने उस समय में क्या किया, इतना विरोधी था, लेकिन मेरा वो जो विरोध भावना चले गए कि बहुत प्यार से मैं बहुत शांत हो गया, जैसे कोई तीर लगा के गिर गया जैसे हो गया। तो मैं सिस्टर ने जानबूझ के किया होगा शायद, इनको थोड़ा शांति का अनुभव करने दो ताकि इस बाबा का बच्चे बने, अंदर जाके वो भी याद कर रहा होगा। तो मैं तो बहुत वंडर आ गया मेरे को। तो मैं आते ही बहन को बोला, बहन मुझे भी राजयोग सीखना है, परिवर्तन सेकंड में, जैसे बाबा ने बोला ना, फोटो से नजर से निकाल कर दिया बाबा ने हमको, पहले बार देख रहा था जो बाबा का पिक्चर, मम्मी पापा जाते थे लेकिन ये पिक्चर बाबा का पिक्चर नहीं था, परमात्मा का ये सब हमको नहीं मालूम था। लेकिन उस जो आज भी वो घड़ी मुझे याद है, कैसे हो बाबा ने हमको उसी टाइम में पकड़ा, क्योंकि बाबा त्रिकालदर्शी है, उनको पता है हमको कहाँ जाना है, उनको कहाँ लेके जाना है, हमको नहीं मालूम था ना। तो वो नशा आज भी हमको याद आता है, जब भी बाबा मुरली में बोलते जो नजर से निहाल करता है, तो वो जो साक्षात्कार तो नहीं है, लेकिन वो सेंटर की जो वातावरण, उधर की जो वो फोटो का वाइब्रेशन, वो मेरा मन की पहला परिवर्तन उधर से हुआ। तो फिर रोज मुझे तो बहन जी ने बोला आज सैटरडे है, आज अच्छा दिन नहीं है, हमको मंडे से शुरू करेंगे, ठीक है। मैं खुशी से आ गया। फिर जिस रोज उधर से जॉब के बाद मैं सेंटर पे आऊंगा शाम को, फिर मुझे क्लास कराएंगे। मेरा कोर्स तो 1 महीने से चला, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ कारण से आएगा, उस दिन बोला आज सेंटर में बहन नहीं है, लेट हो गया। फिर पहले आत्मा का लेसन लिया, तो मुझे तो इतना अंदर से वो आत्मा के बाद क्या होगा नेक्स्ट, परमात्मा एक एक लेसन में मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रहा था क्या हो रहा है। तो एक निश्चय हुआ, परमात्मा के बारे में मुझे समझाया, सर्व आत्माओं की पिता है, सर्व धर्मों का मालिक है। तो ये मेरे अंदर बहुत छाप लगा, क्योंकि फादर को भी था ऐसे मंदिर में जाते थे, लेकिन एक अलग भगवान है, भगवान एक ही है। मुझे अंदर बहुत हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये सर्व धर्मों में लड़ाई होता है, एक
धरती पर हम रहते हैं लेकिन भगवान के नाम पर इतनी लड़ाई होता है, तो हम सबका पिता एक है, हमारा फादर है, मदर है, सब कुछ एक ही में है। तो मुझे इतना अच्छा लगा, तो वो मुझे उसी टाइम में वो बाबा से बहुत प्यार हुआ। मुझे आज भी आश्चर्य लगता है कैसे मैं वो शिव बाबा को प्यार किया, हमको मालूम नहीं। दुनिया में देख के प्यार होता है, ये बिना देख के प्यार आ गया। दुनिया में किसी को देखना है ना तभी तो प्यार होता है। ये तो एक ज्ञान के कारण, हमने देखा भी नहीं, एक पिक्चर पॉइंट ऑफ लाइट देखा, लेकिन ज्ञान के आधार से हम शिव बाबा को पहचाना, वो अंदर अंदर बहुत प्यार। मुझे ऐसा अलग अलग नहीं लगता था ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, बाप दादा, हमको ज्ञान ही नहीं था बाप दादा का ज्ञान, लेकिन हम हमेशा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को एक ही समझते थे। ब्रह्मा बाबा की भ्रुगुड़ी में शिव बाबा को हम हमेशा वो देखते थे। जैसे फिर मेरा जो कोर्स कंप्लीट हुआ तो तुरंत बाबा ने अपने गांव में माताएं की संगठन था, बहुत बहुत अच्छे अच्छे माताएं हमारे गांव में जुड़े, और फादर की जो फ्रेंड्स, मम्मी की जो भी, बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले बहुत सभी इकट्ठे हो गए थे उसी टाइम में। तो उसमें से एक माता की घर में अकेला था, तो उन्होंने, उनकी बेटा अमेरिका में था, तो उन्होंने एक दिन बहन जी को बोला, बहन जी आप मेरे साथ एक दिन रहो ना। तो बहन जी ने बोला, बाबा नहीं है तो मैं कैसे उधर रहूंगा, अगर बाबा को आपको आपके घर में बिठाएंगे तब मैं आपको मैं रहूंगा घर पे। तो माता जी को क्लिक हुआ, तो माता जी ने बोला मेरे घर के ऊपर बहुत जगह है, तब मैं बाबा के लिए जगह देंगे। ऐसा फिर बाबा के लिए उधर जगह बनाया, बाबा का सेंटर बना, तब से लेकर मेरा कोर्स भी कंप्लीट हुआ, तब से लेकर मैं वो सेंटर की हर कारोबार में इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। मेरे को भी ड्यूटी दिया था, तो कुमार एक ही था पहला, तो हमको हर चीज में आगे बढ़ते थे। तो एकदम मुरली के जैसे गद्दी में, गद्दी के नीचे बैठना है, सब सामने उधर ही रिकॉर्ड प्ले करना, ये सब करना। और फर्स्ट हम इतनी कुमारों को इकट्ठा देखा हमारे सेंटर में, जो दूर से साइकिल रैली आया, तो उधर पालक्काड सेंटर में, केरला में पालक्काड सेंटर पे, तो पदयात्रा में बहुत सारे कुमारों को देखा। तो कुमारों को देखा तो मेरे को बहुत खुशी हो गया, खाली मैं अकेले नहीं है माताओं के बीच में, इसमें बहुत सारे कुमार भी है, तो मुझे और बहुत नशा चढ़ा। तो सेंटर की हर बातों में, हर कार्य में मुझे बहुत पहले से ही बाबा ने पकड़ के रखा था। तो मुझे ऐसा लगता था ऐसे कोई सेंटर में कोई ऐसा चीज ना हो मेरे हाथ न पहुंचे, तो बहुत नशा था। मैं बहुत प्यार से सेवा करते थे, हर चीज को पहुंचने के टाइम मुझे ऐसा लगता था मैं इसको पहुंच के इसमें खाली क्लीनिंग नहीं, इसमें एक वाइब्रेशन भी नहीं डालता हूं। कोई भी इसमें देखे कि इसमें एक दिव्यता है, सबको अट्रैक्ट करे चीजों को, खाली चीजों को नहीं, वो एक वाइब्रेशन उसके अंदर आए। तो बहुत ऐसा हर चीजों में हम ध्यान रखते थे ऐसे सेवा करने का। तो धीरे धीरे बहन कभी 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 मीटिंग में जाते तो हमको बोलते थे मुरली पढ़ो, तो धीरे धीरे तो मुरली सब पढ़ना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दे। हिंदी तो नहीं जानते थे तो मुझे बोलते थे, एक हिंदी का डिक्शनरी दिया, हिंदी मलयालम, हिंदी मलयालम डिक्शनरी देते थे और मुरली भी देते थे, और मैं पूरे मुरली रात को ट्रांसलेट करते थे। तो फिर ट्रांसलेट करके बुक में लिख के फिर वो सुबह में क्लास में मुरली सुनाते थे बहुत। तो ऐसे ऐसे थोड़ा हिंदी भी सीखा। तो बाबा का ये जो बचपन का दिन बहुत प्यारा लगा, और बहुत नशा था बाबा के संदेश सबको देना है। ये लोग ऐसे घूम रहे हैं सारा दुनिया किसके पीछे पता नहीं, लेकिन एक बाबा मिला, वो नशा हमको लगा सबको ये देना है। तो हमको, हमने प्लानिंग करते थे हर गांव में, हर सेंटर में, संडे माना हमारा सेवा का दिन है, भागना है। जैसे मुरली कंप्लीट होकर के सबको इकट्ठा करेंगे और हम लोग हर गांव में जगह जगह जाके, हर घर में जाके ये सेवा करना है। हमको लगता था एक ही बार हम जाएंगे, एक ही बार बाबा का पूरा परिचय देकर आएंगे, बाद में उनकी मर्जी, लेकिन बाद में कंप्लेन नहीं बोलने का, हमको भगवान की ज्ञान नहीं दिया। तो बहुत नशे से एक एक गांव सेलेक्ट करते थे और पूरा वो पूरे एरिया कंप्लीट करके आते थे, बाकी निमंत्रण देते थे उन लोगों को सेंटर पे आने। ऐसे लगता था गीता पाठशाला खोलो सब जगह पे। तो ऐसे
ये बचपन का दिन ऐसे बहुत प्यार से बहुत सेवा में लगन लगी, बहुत उमंग उल्लास से सेवा करते गया। जैसे मधुबन में फर्स्ट टाइम जाने का बाप दादा आते, हमको पहले मालूम नहीं थे बाप दादा आते हैं। आजकल तो बहुत ज्ञान से पहले ही हिस्ट्री जानता है, यज्ञ क्या है सब कुछ पता है। उस टाइम में यज्ञ क्या होता है, इतनी दादियां होता है, ये सब मधुबन में इतना डिटेल नहीं था। दादियों का अनुभव हमने कभी बहुत समय के बाद इतने लोगों का अनुभव सुना, किसी का भी इतना अनुभव हमारे गांव में किसका अनुभव होता है। आजकल इंटरनेट है, सब व्हाट्सएप है, उस टाइम में कुछ भी नहीं था। तो बाप दादा आते हमने सुना, तो बाप दादा आने के टाइम उस टाइम इंटरनेट नहीं था, तो हम लोग सब सेंटर में योग उसी टाइम में योग लगाते थे बाप दादा आने के समय में। तो वो बोलते थे बाप दादा आते है एक दादी के तन में, तो हमको बहुत बहुत आश्चर्य लगे थे कैसे बाप दादा आएंगे। हम लोग भागते थे कहीं इंटरनेट कैफे में जाके देखू ये बाबा कैसे आते हैं, ज्योति ये शरीर में आते हैं। तो एक बार बहुत हंसी की बात है, बहुत मेरे हाथ हो गया था सेवा करके, तो बहन जी ने एक बाप दादा का कैसेट पुराना जो बाप दादा का एक कैसेट दिया, ये बाप दादा का आवाज है। तो मैं तो कैसेट प्लेयर में डाला, प्लेयर तो बहुत स्लो था, बाप दादा का वॉइस ऑलरेडी स्लो है। तो जैसे कैसेट डाला तो मुझे लगा कोई भूत आया है, और मुझे तो इतनी डर गया मैं वो आवाज सुन करके, मुझे घर जाने के लिए इतनी डर लग रहा था ये कैसे मेरे हाथ को जाओ भूत आ गया, इतना वो क्या बोलता हूँ वो डरावना गीत, वो पुराना कैसेट है ना, वो बहुत स्लो चल रहा था। फिर अव्यक्त मुरलियां रिविजन होते थे, फिर धीरे धीरे मुझे बहुत अव्यक्त मुरली में बहुत प्यार था, क्योंकि उसने बाबा बच्चों को बहुत प्यार से नशा चढ़ाते थे, तुम ये हो वो हो, तो हमको बहुत अच्छा लगता था अव्यक्त मुरली। अव्यक्त मुरली के दिन हम तो बहुत अटेंशन से मुरली सुनते थे, और अव्यक्त मुरली बहुत प्यार लगता था। बाप दादा का पिक्चर देखा ही नहीं जब, फिर तब तक मेन सेंटर में हमने गया नहीं, क्योंकि हमारे छोटे गाँव में फिर मेन सेंटर अलग एक जगह में, तो एक ऐसे मेन सेंटर में जाने की हुआ नहीं। तो उधर मेन सेंटर में होगा ना बहुत बड़ा पिक्चर से ये सब बातें, तो ये हिंदी गीत पता नहीं हिंदी का अर्थ मालूम नहीं, लेकिन मस्त योग लगता था बाबा का जो गीत सुन करके, लेकिन एक अक्षर भी उनको उसमें मालूम नहीं इसका मतलब क्या है। तो उस टाइम मेडिटेशन का मेडिटेशन गीत है ना वो सब सादर पधारिये, वो भी गीत था यशदास का, तो केरला का था यशदास, और नशा जड़ा रहे केरला का वो जो सिंगर्स भी इसमें गाया है, तो वो यशुदास का वो जो सादर पधारी वो भी बहुत खींचता था। और ये तीन बिंदु मस्त मत बिसरो, ये सब गीत तीन बिंदु पता है, लेकिन ये मत बिसरो ये क्या सब मालूम नहीं था, लेकिन गीत डालना है और मस्त योग लगाने, और ये अनुभव था घर में भी बैठ के योग करना। अमृत वेला में उठना वो समय में इतना बहुत कठिन लगता था, उठ के सोता ही था, इतना आदत नहीं था, धीरे धीरे सब ठीक हो गया। अमृत वाले भी उठना ये सब, फिर हमको चार्ट देते थे, चार्ट देकर रोज क्लास में आके पूछते आज कितना बार ट्रैफिक कंट्रोल किया, तो सबके सामने कैसे बोलो या आज किया ही नहीं, तो अटेंशन देते थे। सुबह में टीचर पूछेंगे तो दो तीन बार किया माना सबके सामने हो जाता था ना, तो हम बोलते फिर अटेंशन देकर पूरा ट्रैफिक कंट्रोल करके आते थे, और धारणाओं पर धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया, एकदम नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन में आ गया एकदम। वो बिना हम खाना नहीं खाते थे, लेकिन एकदम परिवर्तन, तो लोगों को तो बहुत आश्चर्य लगा। और जो गांव में ये व्हाइट साड़ी पहन के लोग आते ना, तो लोगों को बहुत इरिटेट देख के इरिटेट होता था। हम लोग तो बहुत नशे से सुबह सुबह में क्लास में आते थे, लोग पूछते थे आप लोग कहाँ जाते हो, तो उन लोग बोलते थे, उन लोग मजाक करते थे, ये जो सनलाइट का सोप पाउडर है ना, सनलाइट सोप पाउडर का जो उसका पिक्चर उसका लेबल में जो शिव बाबा का रेस जैसे था, तो उन लोग मजाक करते आप लोग ही सनलाइट का प्रोग्राम अभी भी चलता है, तो हमको तो गुस्सा भी आता थे हम क्यों सनलाइट बोलते। फिर सेंटर में बहनों के साथ कहाँ भी जाना है, तो मुझे तो मेरा शॉप है ना
एकदम टाउन में बस स्टॉप के सामने ही, तो बहनों को कहा जाना है तो मुझे बुलाते हैं, भाई आओ मेरे साथ मार्केट में जाना है, तो हम कैसे जाओ, तो लोग क्या बोलेंगे हमको हमको तो इतना शर्म आते थे, तो बहनों को बोलते थे आप उस रास्ते पर आओ, मैं इस रास्ते पर आके हम दुकान में मिलेंगे, साथ में नहीं जाते थे, लोग कुछ ना कुछ बोलते। हम लोग जो सेंटर में जो जाने के रास्ते में हमारे जो फ्रेंड्स है, जो भी रिश्तेदार जो भी है होते, तो उन लोग जो जाने के टाइम बिसल मारते थे, फिर बिसल मार के चुप चुप जाते थे, तो हमको तो बहुत चुप चुप के हम लोग सुबह में सेंटर में जाते थे। बहुत नशा, मैं मतलब बाबा के घर में जाना, बाबा की सेवा में, इन्होंने कितना भी परिस्थितियां हो बहुत अच्छा से, फादर भी जाते थे, मदर भी जाते थे, हम भी जाते थे, तो बहुत अच्छा। तो फिर परीक्षा, क्योंकि परीक्षा तो आना ही है ना, तो परीक्षा मतलब फादर को फिर कैंसर हुआ, फादर का कैंसर हुआ मतलब उसको कोलन कैंसर हुआ था, तो उसने बहुत सारी सफर किया, तो फिर उसने उसी टाइम में 2005 तक उसकी तो बहुत तबीयत खराब हो गया था, लेकिन बाबा की जो शक्ति उसी टाइम में बहुत काम आया, हमको ऐसा कुछ लगा ही नहीं। फादर ने फिर मेरे सामने बहुत मुझे उसी टाइम में चेन्नई में मेगा प्रोग्राम था, जो तीनों दादियां आ रहे थे, तो मुझे इतना अंदर से था, मैं दादियों को तो देखू कैसे होता है दादियां, तो हमारे गांव से सभी ने मेगा प्रोग्राम में गया, मैं अकेला, मैं हॉस्पिटल में फादर गए, मुझे पता नहीं था फादर शरीर छोड़ने वाला, लेकिन मुझे इतना सबको पूछा मैं जाओ, फिर सोचा नहीं नहीं जाना, तो मेगा प्रोग्राम फिनिश हो गया उसी दिन में रात को, तो हमको बाबा ने प्रिपेयर कर दिया पहले से, मैं और मम्मी हॉस्पिटल में शाम को चक्कर लगाने के लिए गए, तो उसी दिन उसी टाइम में इमरजेंसी वार्ड में आईसीयू में एक आदमा ने शरीर छोड़ा, तो उसकी इतनी संबंधिया इतनी चिल्ला रहे थे, पूरे हॉस्पिटल को हंगामा मचा रहा था, एक आदमा शरीर छोड़ा, तो फिर रात को इतना मुझे ऐसा फिल्म जैसे देख रहा था, उस टाइम इतनी बारिश, जो तूफान, इतना हंगामा हो रहा था, फादर का पूरा ब्लीडिंग हो गया, फादर को लेके गया आईसीयू में, तो बहुत अंदर मैंने खिड़की में से थोड़ा सा गैप में देखा अंदर की हालत क्या है, तो बहुत तड़प रहा था अंदर, क्योंकि फादर ने खुद बोलते थे कैंसर बहुत बहुत पेनफुल है, क्योंकि जितना भी आप दवाई डालो और उससे बढ़कर और पेन आएगा, और एक मोमेंट आएगा और दवाई भी काम नहीं करेगी, तो इतना अंदर वो जो तड़प रहा था, तो हमने बाबा को बोला ऐसे क्या है, फादर ने बोला मुझे ये शरीर में नहीं रहना है, मुझे जाना है, क्यों तंग करने सबको, ये कोई फायदा नहीं इसमें रह के, ऐसे फादर बोलते थे। तो फिर मैं धीरे मम्मी के पास गया, मम्मी तो वार्ड में ही था, मम्मी को बोला अभी हमको उसको विदाई देना है, हमको पकड़ के नहीं रखना है, हमको छोड़ना है, मम्मी आप आ जाओ अभी, हम दिल से बोलो बाबा को, बोलो बाबा आप उस आत्मा को छुट्टी दो, हमारे मोह के कारण वो आत्मा और सफर नहीं करे। तो फिर मैं और मम्मी, उसी टाइम मेरे को कितना था 22 उतनी उम्र लेकिन ज्ञान में इतना वो जो निश्चय और बाबा का एक बातों में मुझे इतना विश्वास है, उस नशे में मैं और मम्मी गया और फादर को दृष्टि दिया और डॉक्टर को बोला थोड़ा सा पानी दो, तो एक इतना इसमें पानी दिया और मैं और मम्मी वो पानी दिया और बाबा की याद में उसको दृष्टि देते रहा, और मैं हम दोनों के सामने फादर ने बहुत शांति पूर्वक शरीर छोड़ा, हमने कभी आंखों से ना आंसू आया ना मम्मी और मैं कोई चिल्लाया, किसी को भी कुछ पता नहीं, ऐसा हालत हो गया, बहुत प्यार से छुट्टी दिया। तो ये एक परीक्षा, तो मैं घर में बड़ा तो एक परीक्षा मेरे सामने बहुत, लेकिन वो परीक्षा मुझे परीक्षा ही नहीं लगा, ये परीक्षा है, बाद में सब परीक्षा की बात मालूम पड़ा, ये परीक्षा होता है ज्ञान में, हमारे टेस्ट चलता है, लेकिन बहुत प्यार से उसका वो मम्मी फिर जैसे विधवा हो गए ना, तो मम्मी का अंदर से था मैं कहां भी नहीं जाऊंगा बाहर, अभी विधवा ऐसे होता है ना, कोई कोई कारोबार में इन्वॉल्व नहीं होता है, घर के अंदर एक ही, तो मैं मम्मी को बोला वो नहीं,
आप भारत माता हो, आप ऐसे अंदर बैठने वाला नहीं, वो मम्मी को मैं उमंग उल्लास दे देते, आप ऐसे नहीं बैठ सकते, आप आगे बढ़कर और भी बाबा के कार्यों में नशे में चलना है। तो मैं मम्मी को हमेशा उमंग उल्लास देकर फिर मम्मी को और खड़ा करके भेजते थे सेंटर पे। फिर मम्मी ये सब हम लोग ये सब बातें फिर भूल गया, फिर कभी हमने ऐसे याद भी नहीं किया, कभी याद भी नहीं आए। आज भी कोई पूछा आपको फादर की याद आता है, मैं बोला उसकी बात खड़ने के बाद हम कभी नहीं याद नहीं किया फादर को, कभी नहीं याद नहीं किया। मैंने मुझे एक फोटो ही याद है, उतना ही है, बाकी मन में हमेशा याद आता है, ऐसा कुछ भी नहीं। फादर हमको एक फादर के हाथ में देकर ही चले गए, तो वो उमंग उल्लास वो निश्चय हमको आगे बढ़ा। फिर बाबा की कार्य में आगे चलते गया मम्मी और मैं और सब भाई बहन, तो ज्ञान 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 में आया लेकिन उनको इतना निश्चय नहीं था, वो तो बीच में चले गए। बीच में मेरे सारे 11 फ्रेंड को भी मैं लेके आया, वो बात बहुत बड़ी याद आती है। 11 फ्रेंड्स था, 11 फ्रेंड्स को भी ज्ञान में लेके आया, बहुत अच्छे से ज्ञान में चल रहा था। फिर धीरे धीरे एक एक निकलना शुरू कर दिया, ज्ञान धारणाएं की बात आती है तो धीरे धीरे एक एक निकलना, तो एक एक सब निकलना शुरू कर दिया। तो मैं ऐसे बहन को बोला, बहन आप कुछ भी चिंता नहीं करो, कोई भी नहीं है ना, मैं होऊंगा बाबा के पास। अब ऐसे एक एक कई कई बातों को निकल के लेके जाके कोई कोई जाते थे, लेकिन मेरा अंदर क्या है, मेरा मेरे की इतनी बात करने की, संग में रहने की इतनी आदत है, मैं अकेला पड़ गया पूरी गांव में, मैं अकेला पड़ गया। वो 11 फ्रेंड था, वो ज्ञान छोड़ने के बाद बाबा बोलते ना ट्रेटर हो जाते, बोलते उल्टा मेरे ऊपर इतना प्रेशर डालते थे और मेरे से बात नहीं करते थे, मुझे अकेला कर देते थे। तो मुझे अंदर से इतना बाबा से मैं बोला, बाबा मैं तो मुझे कोई अशांति नहीं था, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं इतना दुख दुविधा में आ गया, आप ऐसे क्यों ज्ञान दिया मुझे। मेरे अंदर बाबा को ऐसे बोलते, आपने मेरे को इतना मुसीबत में क्यों डाला, मैं तो बहुत प्यार से बहुत नशे से जी रहा था ना, ज्ञान में आने के बाद मुझे इतना दुख फील होता है, मैं अकेला पड़ गया ना, आप निराकार ऊपर बैठता है, साकार में कोई तो चाहिए तो बात करने के लिए, सेंटर पे माता है, माताओं से कितने मैं बात करूं, अपनी बातें शेयर करने के लिए कोई तो साथी चाहिए। बाबा से ऐसे लड़ाई करते थे, अब बहुत रोते थे, दुविधा माना क्या करो, उधर जाओ इधर जाओ, फ्रेंड्स 11 लोग उधर से खींच रहे, बाबा की प्यार इस तरफ से खींच रहे, मैं सोचू कहां जाओ। फिर भी अंदर ही अंदर लगता ये तो भगवान की बात है, भगवान हमको रक्षा करेंगे, भगवान की तरफ ही हम गिरेंगे, उस तरफ नहीं गिरेंगे, इस तरफ ही गिरेंगे। तो ऐसा फिर वो सब छोड़ दिया, नशे से जीना शुरू कर देती। ये तो एक दुविधा होता है जो कुमारों की, जो जीवन में बाबा के ज्ञान में चलने के लिए वो सबसे बड़ी दुविधा है, ये फ्रेंडशिप का तोड़ना। लोग लाज कुल मर्यादा इसको कहेंगे, सच में दुनिया में एक तरफ हो जाता है सभी, अच्छे मार्ग पर जाने वालों को कितनी तकलीफ रहती है, लेकिन प्यार और वो जो पालना के कारण वो तकलीफें बहुत मीठा अनुभव होता है बाद में। आज वो याद करने के टाइम खुशी आती है, वो उस दिन का तकलीफ था, उस दिन तो रोना आता था, आज वो घटना याद आती है तो इतना उमंग आता है। देखो बाबा की अनन्य बच्चा हूं मैं, बाबा की लाडला हूं, ये नशा हमको हमेशा अंदर रहता था। उसी टाइम में ये स्वर्णिम भारत पदयात्रा आया, तो उसी समय में आया, तो मुझे हमको पता नहीं कितना किलोमीटर चलना है, केरला से लेकर, मैं सोचा था केरला से लेकर राजस्थान तक चलना है मैं कोई बात नहीं चलेगा, उसमें क्या बात है, छुट्टी लेना है, 40 दिन लगेगा, ये सब बातों को मालूम ही नहीं था। मेरा कितनी जॉब चेंज किया, जब भी मैं जॉब ज्वाइन करते तो बाबा की कुछ सेवा आएगा तो मैं जॉब नहीं देखेंगे, बाबा की सेवा में पहला इम्पोर्टेंट देंगे, तो दोबारा सेवा करके उधर आएगा तो बोलेगा आपको छुट्टी फिर दूसरा जॉब देखते थे। तो लेकिन इम्पोर्टेंट बाबा बोलते ने आधा से ज्यादा हमको इम्पोर्टेंट बाबा की तरफ रखना है, बाबा बोलते ना बैलेंस में भी ज्यादा हम बाबा की तरफ रखेगा तो वो जीवन बहुत मजेदार है। परीक्षा होते ही भी हमको एक शक्तिशाली अनुभव होगा। तो पदयात्रा में हमको चलने के लिए 45 डेज हमको चलना है, कितने 1000 किलोमीटर चलना है, त्रिवेंद्रम टू
बैंगलोर, तो हम सभी मैं उधर से तैयार हो गया, फिर पालकाड मेन सेंटर में जाया, फिर सिस्टर ने बोला आप भी सुनाओ, तो मैं सब कुमारों के क्लास में बोला अब आप देखो बाबा हमको हमारे पैर पूछ रहे हैं चलने के लिए, तो भगवान के लिए हमारे एक पैर नहीं दे सकते, तो इतना ऐसे उमंग उल्लास से बोलते थे। तो सभी कुमार ने इंटरेस्ट दिखाया, सभी ने जॉब से छुट्टी लेकर हमने 20 कुमार एंड 20 कुमारियां त्रिवेंद्रम से लेकर बैंगलोर तक चला। वो मेरा जीवन का सबसे सुहावना जो दिन था, वो एक एक सेंटर की हमको कहा कुछ भी करना नहीं, खाली चलना है, बाकी खाना बनाने की चिंता नहीं, ड्रेस आयरन करने की, कपड़ा धुलाई करने की कोई चिंता नहीं, सब तैयार होकर आ जाएंगे, हम जैसे राजाओं जैसे चलना है बाबा की याद में। और जंक्शन में सबको संदेश देके चल के हमने इतने 20-40 लोग इतने फ्रेंडशिप में आ गया, सब कुमार सन कुमारियां नशा हर जंक्शन में। तो लास्ट हम पहुंच गया बैंगलोर सब फाइनल प्रोग्राम, जैसे मैसूर में पहुंच गए एकदम बारिश गिरा अपना मैसूर की जो बहन जी हमको वेलकम करने के लिए आया, इतना बारिश गिरा तो हम पूरी गीला हो गए था, फिर भी बोला हम लोग गाड़ी में नहीं चलेंगे, हम लोग चल के ही सेंटर पे जाएंगे, बारिश में ही हम चल के जाएंगे, कोई बात नहीं। तो हम बारिश में चल के गए, तो बहन जी कोई बहन जी को छाता दिया, तो हमको किसी को छाता नहीं है, तो बहन जी फ्रेंड में था, तो बहन जी को छाता दिया, तो बहन जी छाता पकड़ के फेंक दिया, मेरे बच्चे लोग इधर पानी में भीग हो रहे, मैं छाता पकड़ के जाओ, वो तो हमारे अंदर इतना छाप लगा, देखो बहनों के अंदर हमारे प्रति कितनी प्यार और भावना है, वो मेरे को तो घायल कर दिया वो जो सीन, वो फेंक दिया छाता सबके सामने, तो बहुत एक इम्प्रेशन लगा और इतना प्यार। और अमृतवेला में उड़ के हमको तो हॉर्लिक्स और एप्पल लेकर बहन जी अमृतवेला, जैसे अमृतवेला करके हॉल से बाहर आते तो बहन जी बाहर वेट करते थे हमको दूध पिलाने के लिए। फिर जैसे लास्ट दिन हमको वापस जाना है, घर जाना है, सबको वाइंड अप करना है, इतना रोना शुरू कर दिया, सभी मिलकर रोना शुरू कर दिया, अरे हम वापस कहाँ जा रहे हैं, इतना प्यार पालना लेकर हम वापस कहाँ जा रहे हैं, तो बहुत रोना आया सबको। मैं दृढ़ निश्चय कर, अगर जीवन जीना है तो यही जीना है, तो अंदर ही अंदर ये दृढ़ निश्चय करके मैं जो वापस आके पालकाड जो हमारे मेन सेंटर में, बहन को बोला बहन अभी मैं घर में नहीं रहूंगा, आप मुझे जॉब करने के लिए बोलो, मैं जॉब करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अभी घर में नहीं रहूंगा, लेकिन मैं सेंटर पे ही रहूंगा, जॉब करेंगे लेकिन घर में नहीं रहूंगा। बहन ने बोला ओके, फिर पालकाड सेंटर में मुझे बिठाया, तो मेरे को बहुत सेवा का चांस दिया, ऑडियो वीडियो डिपार्टमेंट सेवा कोर्स करना, क्लीनिंग करना, ये मेरे को छोटा एक जगह दे सेंटर की जो ऑडियो डिपार्टमेंट में वो रूम के अंदर छोटा सा एक जगह, उधर ही सोना है उधर ही रहना है, लेकिन मजे से रहते थे, सुबह सुबह में क्लीनिंग करके पूरा सेंटर का क्लीनिंग करके, फिर 6:30 को आकर योग कराना, उसके बाद फिर मुरली सुनकर जॉब करके फिर शाम को आएगा, शाम को आते ही मेरे को चाय बना के रखा होगा, चाय पी के फिर कोर्स कराना, फिर बहुत सेंटर की जो लाइफ मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर सभी वाइंड अप करके सब बहनें और भाइयों मिलकर सेंटर की जो बरामदा में सामने रहकर इतना हम लोग चिटचाट करते थे, वो उसके लिए हम लोग तरसते थे, पूरा वाइंड अप करके हम आ जाओ फिर चिटचाट करो, तो ऐसा। तो फिर उधर की बहन भी बहुत बहुत प्यार किया, सभी पहले से ही मुझे यही था अनुभव किया था मैं यज्ञगाही हूँ, मुझे हर जगह से प्यार मिलता ही रहा, अब चारी बहनों का हो या भाइयों का हो या कोई ब्राह्मण परिवार में, हर तरह से मुझे सभी देखेगा तो प्यार करता ही रहा, बहुत रेस्पेक्ट से देखते रहा, तो मुझे उमंग था मैं बाबा का अनन्य हूँ, हम आंधे हमेशा अंदर अंदर चलता था। फिर सेंटर में ऐसे संडे माना हमारा वापस सेवा का दिन,
बहन को सेंटर में ऐसे काली, मेरे को कुमारों को देखकर तो बहुत उल्लास आता है, तो मैं बहुत पालना करने के लिए जाता हूँ उन लोगों के साथ बैठना चिट चैट करना। तो बहन बोला इधर बैठ के क्या बात कर रहे हैं आप लोग, तो आप जाओ फिर हमको भेज देते सेवा के लिए, सबको भोजन पैक करके देते थे, जाके गाँव गाँव में सेवा करके आओ, तो और भी हमको खुशी। हम लोग एक एक जगह ढूंढते थे, आज इस तरफ पिकनिक जाएंगे, अब उस तरफ पिकनिक, पिकनिक माना हमको सेवा, माना हर संडे हमारा पिकनिक है। पिकनिक माना क्या है, हर गांव जहां हमने देखा नहीं वहां गांव में जाके गांव वालों को मिलना है, बाबा के संदेश देकर बहुत। और आते ही हमको इतना महिमा, देखो बाबा की महान कुमार आया, महावीर आया, ऐसे बोल के हमको नशा भी चढ़ाते थे। तो ऐसे ऐसे चलना, फिर धीरे धीरे बहन बोला अभी दूसरे की जगह में एक सेंटर खोलना है, आप उधर जाके सेवा करना है। तो एक जगह में एक माता के घर में जाके थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया पालकाड सेंटर से थोड़ा 15 किलोमीटर दूर में उधर एक सेंटर माना निकिता पाठशाला खोला, फिर उधर सेवाएं शुरू की। तब माता इकट्ठा हो गया, फिर बहनों को बुलाते थे, फिर बहुत सब पक्के धीरे धीरे पक्के होने लगा। तो फिर हम लोग एक सेंटर ने रेंट पे लिया उधर, उस सेंटर का नाम था अभी भी याद है चिंता चिंता, वो घर का नाम चिंता है ना। तो उसमें मैं और एक दूसरे एक भाई दोनों उधर रहते थे, तो उधर कोर्स करना, वो सेंटर की कारोबार देखना और फिर जॉब में जाना, शाम को आना, ये सब कारोबार, तो ऐसे एक साल तक चला। तो फिर इतना बहुत अच्छा चल रहा था, उसी टाइम में मेगा प्रोग्राम आया पालकाड सेंटर में, जो दादी गुलसार आया, तो गुलसार आया तो मुझे ऑडियो ऑडियो डिपार्टमेंट में था, तो मुझे सेवा दिया दादी का जो भी बातें, तो मुझे तो दादी को पहले देख रहे, तो मुझे तो इतनी डर, भगवान की रद आया, मैं कैसे सामने जाऊं, मुझे माइक लगाने के लिए जाने के लिए डर था, बाबा की रद के सामने मैं कैसे माइक लेके जाके रखूं। तो मैंने वो चेन्नई का सीनियर भाई को बोला मैं नहीं जा सकता उधर, तो आप जाको। मतलब फर्स्ट डे उन्होंने माइक रखा, सेकंड डे फिर मुझे थोड़ा थोड़ा मैंने हिम्मत आया, फिर उसी दिन से फिर 5 दिन तक रोज मुझे माइक लगाना। फिर दादी उसी टाइम में दादी ने मेरे से पूछा आप सेंटर पे रहने वाले हो, तो बोला समर्पित हो, तो वो दादी की जो वरदान अभी भी कायम है, समर्पित ही है उसे, वो तो काली सेंटर में ही रहता था, समर्पित नहीं हुआ था, लेकिन दादी उस नजर से मुझे देखा आप समर्पित, तो आज भी याद है, तो दादी की जो वरदान अभी भी कायम है, कितनी त्रिकालदर्शी होकर उसकी जो वाइब्रेशन अभी भी पहुंचते थे। तो फिर उस रे में वरदान ये भी दिया, जैसे टीचर वैसे स्टूडेंट, हमारे जो मीना बहन बहुत सेवा में बहुत आगे है, जो केरला में सर्विस में, तो वैसे भी हमको बहुत सेवा करने की जो उमंग उल्लास था। फिर दूसरी परीक्षा तो शुरू हो गया, फिर बहन की जो शादी करने की बात हुई, तब उसी टाइम में मैं सेंटर पे रहते थे, तो मम्मी को, मम्मी ज्ञान में चलते हुए भी माधव को मोह होता है ना, तो माधव को था ये बहन को शादी करके भेजना, ठीक है, लेकिन मेरे अंदर था, मैं सारे बहनों को बोलूं शादी बाबा की तरफ आ जाओ, मेरी बहन को बोलूं मैं शादी करके जाओ, मैं बोला मैं कभी नहीं बोलूंगा, मैं उनको ये बोलूंगा आप बाबा की तरफ आओ, बाकी उनके आपकी क्या है अंदर वो आप, मैं मदद करूंगा, लेकिन मैं कभी नहीं बोलूंगा आपको शादी करके जाने के लिए। तो मम्मी के अंदर ये था, ये बाबा का बनाने के लिए ये कोशिश करता है, तो मेरे को बताया नहीं, मैं सेंटर पे था, तो ये जो लड़का देखने के लिए आने के समय में मैं घर में बड़ा हूँ, लेकिन मम्मी मुझे बताया नहीं ये इन लोग सब देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन मैं सेंटर पे शाम को बहुत नशे से चल रहा था, तो मीना बहन एक दिन बोला आप बहुत दिन हो गए ना घर जाके आओ, मैं बोला ठीक है। जैसे मैं घर में पहुंचा मम्मी तो अंडर खाया, इसको कैसे पता चला या कैसे आ गया, तो मेरे को बिठाया, हम लोग कुछ प्लानिंग किया है उसमें आप कभी विघ्न डालेंगे, मैं बोला कौन सी प्लानिंग किया आप लोगों ने, तो उसी टाइम में मुझे पता चला इन लोग ये सब प्लान कर रहे हैं, अरे मेरे को तो वंडर खाया, इतना हिम्मत, मैंने उनको धा कैसे भी करके उनको शादी करके भेजना है, मैं भले भले ठीक है। तो मैं बाबा को बोला मेरा अंदर ये आशा नहीं है, लेकिन उनकी जो मर्जी है, क्योंकि मेरा उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको शादी करके भेजना। तो फिर मैं आया, मैं निश्चिंत था
जो बाबा बोलते ना, जो जिनकी हिसाब किताब है वो खुद आएगा, वो खुद लेके जाएगा, हमको क्या उसमें कार्य है, वो खुद आके उसको लेके जाएगा, हम तो इतना उसके पीछे लड़का ढूंढने के लिए जाना वो सब हमने कारोबार में नहीं पड़ा, हम निश्चिंत होकर सेवा करते रहा, पालकड़ सेंटर में रहा, फिर शादी का वो उन लोग सब फिक्स कर दिया, तो पैसा चाहिए, तो इतना फादर के कैंसर के कारण सारे पैसा चले गए थे, घर था, लैंड भी था, फिर थोड़ा उधार लिया, मम्मी के जो गहने सब था वो सब करके उनको शादी करा के भेजा, लेकिन उधार लिया तो मैंने बोला, मैंने शर्त लगा, देखो मैं काम, मेरा जीवन का लक्ष्य है बाबा का बनने का है, मुझे शादी नहीं करना है, जब मैं घर में बड़ा हूँ, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगा, बहन का शादी में करा के दूंगा, और भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं, भाई खुद जॉब करके खुद पैसा कमा के वो खुद लड़की ढूंढ के आऊंगा, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं करूंगा, बहन का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, मैं करके दूंगा, उसके बाद मैं बाबा की तरफ जाऊंगा, वैसे तो मुझे जाना ही है एक दिन शादी करके, दूसरे घर में तो जाना ही है ना, भाई को तो घर छोटा है, घर संभाल लेंगे, मैं तो दूसरे घर में जाना ही है लेके, बाबा मैं बाबा की तरफ जाऊंगा, भाई आपको संभालूंगा, और बहन भी नजदीकी है, तो ऐसा, तो ये शर्त रखा, ये सब कारोबार होने के बाद ये मैं जॉब करूंगा, ये इसका चुकता करूंगा बाबा की तरफ का, तो जो भी उधार लिया फिर मुझे आप छुट्टी देना पड़ेगा, तो मम्मी ने हाँ बोला, आप ये सब कारोबार करके आप कहाँ भी जाओ तो ओके, मैं तो इतना खुशी में मैं रहा, लेकिन मैं ऐसा कुछ चिंतन नहीं किया, कैसे चुकता करूँ, क्या जॉब करूँ, इतना छोटा जॉब करके मैं कब चुकता करने वाला है, उसी टाइम में कितने 3 लाख उस दिन बहुत था हमारे का ये, तो हम सेंटर पे रहा, उसी टाइम में मेरा फ्रेंड दुबई में था, उसने मुझे निमंत्रण दिया, दुबई में एक जॉब ऑफर है, आप वहाँ जाओ, तो जाना ही पड़ा मुझे, तो मैं बाबा को बोला, जैसे पासपोर्ट देने के टाइम बाबा को बोला, बाबा मैं आपको क्लियर कर देता, देखो मुझे कमाने की कोई चिंता नहीं, भगवान की तरफ जाके एक दिन भोजन देने के लिए दुनिया में मेरे लिए लोग होगा, भगवान के कार्य में निकलेगा तो वो मेरे लिए नहीं, मेरे को कमाने के लिए कोई चिंता नहीं, मैं मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे जाना है, मुझे नहीं मालूम क्या होने वाला है, क्या करने वाला है, तो दुबई मुझे पता ही नहीं, दुबई क्या होता है, दुबई में ये ज्ञानवान चलेगा तो मेरे पूरी रिश्तेदार बहुत खुश हो गए, ये तो दुबई में जाएगा तो इसका ओम शांति, ये वो ज्ञान में नहीं चलेगा, ये तो एकदम वापस हमको मिलेगा बोल के उन लोग बहुत नशे से हमको भेजा, तो मैं बहन को बोला, क्योंकि दुबई माना क्या है, कहाँ जाएंगे, सेंटर होगा या नहीं होगा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, क्या खाएंगे कैसे रहेगा मालूम नहीं था, बाबा को बोला, तो बहन को बोला मुझे जाना ही पड़ा, तो बहन ने एक आवेगवाणी दिया मुझे, एक कोर्स बुक दिया, फिर ये वरदान दिया, जैसे ये आत्मा ये शरीर में जाने के टाइम अंत तक ये कुमार जीवन, कुमार के टाइटल में ही आपको शरीर छोड़ना है ऐसे वरदान देकर तो मुझे भेजा, अव्यक्तवाणी भी दिया, एक कोर्स बुक दिया, मैं बोला मैं जहां जाऊं वहां सेंटर है कोई भी जाओ मैं सेंटर पे ही जा रहा हूँ, मैं जहां रहता हूँ वहां सेंटर है, तो ये निश्चय से हम लोग दुबई में आए, जैसे दुबई में आए वो गर्मी के समय, जैसे दुबई में आए हम लोग 20 लोग आए थे, मैं इलेक्ट्रीशियन पढ़ाई किया था तो इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन साइट में हम लोग आए थे, तो जैसे हम जैसे मैं कैंप में आया, इतनी गर्मी और इतनी लोग कैंप में, इतनी पसीना, इतना बदबू, भगवान करे वो देखकर मेरे अंदर गया काम से मैं, तो फिर मैं उधर बाबा ये वैसे तो आना है, मुझे जाना ही नहीं, मेरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी करके ही जाना है, कैसे भी करके मैं 2 साल रहूंगा उसके मैं जाऊंगा, फिर अंदर कैंप के अंदर गया, और उसी टाइम में वो कैंप में सबको सेलेक्ट किया, तो हमको बोला आप 3 इस तरफ हो जाओ बोला, बाकी 17 लोगों को उस तरफ कर दिया, मुझे पता नहीं किसके लिए हमको 3 को सेलेक्ट करके इस तरफ कर दिया, तो उन्होंने बोला हमको कंस्ट्रक्शन साइट माना एकदम नया बिल्डिंग बनाने के लिए, इतनी गर्मी इतनी डस्ट हो कंस्ट्रक्शन साइट, ये 3 को किसके लिए चेंज कर दिया, मेंटेनेंस साइट में बुलाया, मेंटेनेंस माना एकदम सजे बिल्डिंग में हमको उधर रहना है, और कभी 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 लाइट जाता है, कभी पानी खराब होता है, तो उसमें आराम से रहने का
और काम करने का, कोई धूप करने मैंने काम करने की जरूरत नहीं, इतनी हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं, आराम से रहने का। तो हमको पता भी नहीं था, हमको वो भी दुबई में आया था, मुझे शारजा में डाल दिया। तो लोग पूछने लगा आपके कमरे में कोई है क्या, मैंने आपको कोई रिकमेंडेशन देने के लिए। मैं बोला आपको तो कोई भी नहीं मालूम, अंदर ही अंदर मालूम, अंदर ही अंदर मैं बोल रहा था ये तो दुनिया का मालिक बाबा है, ये कंपनी का मालिक भी बाबा है, बाबा को मालूम है कहाँ मुझे डालना है। तो वो अंदर था, तो फिर शारजा में डाल दिया। मैं सोचा दुबई में आके शारजा, रोज शारजा दुबई आना जाना होता था। फिर शारजा में गया, फिर एक दिन किसी को हमारे पालाकाड़ सेंटर के एक भाई था, तो थर्सडे उधर जाते थे उनके घर पे, फिर मैं सेंटर पे जाते थे। सेंटर पे जाके क्या करते थे, पूरे हफ्ते का मुरली में लेके आते थे। बात वो ये पहले खाना बनाने की बात, वो मजे की बात है। तो हमको क्या कर दिया, तीनों को अलग कर दिया। तो बाकी सब सिगरेट ये शराब सब पीने वाले, तो कोई एक सुपरवाइजर आया, सिगरेट और शराब नहीं पीता है वो हमारे रूम में आ सकते। तो मैं हाथ लगाया, ठीक है मैं नहीं पीता मुझे। तो वो एकदम बढ़िया रूम था, वो लोग तीन था, उसमें किचन फ्रिज सब कुछ उसमें था। तो मेरे पास तो बर्तन नहीं था, मेरे पास कुछ मैं पिकल लेके आया था घर से, और कुछ खरीदने के लिए इतने पैसा भी नहीं था। तो एक छोटा सा चपाती बनाने का बर्तन लिया और उतना ही है, थोड़ा आटा भी लिया, और रोज चपाती बनाते थे और पिकल के साथ खाते थे, उतना ही था। फिर कुछ वेजिटेबल ऐसे कट करके खाते थे, वो थोड़ा समय चला। फिर ये शारजा में आया, फिर सेंटर के साथ कनेक्शन हुआ। मैंने लंबा कहानी में छोटा छोटा बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे नशे और निश्चय की परीक्षाएं उधर ही उधर भी हुआ। फिर क्या क्या कर दिया, शारजा में सेंटर के साथ रानी बहन के साथ, शारजा का सेंटर की रानी बहन, आप सुना होगा, रानी बहन का कनेक्शन में आया। रानी बहन उधर मुझे बहुत पालना दिया रानी बहन, और रानी बहन बोला शारजा में मुझे पहले, मैं पूरे हफ्ते का मुरली लेके आते थे। फिर हमारे मुरली क्लास कहाँ है, जो दुबई में कैंप के उधर एक बस स्टॉप है, बस स्टॉप में हम लोग रात को मिलते थे। हमको सेंटर में कनेक्शन हुआ तो पता चला वो कैंप के एरिया में तीन भाइयां हैं, तो हम तीनों मिलके खाना बना के खा के 9 बजे कैंप मैंने सोनापुर से वो जो बस स्टॉप में बस स्टैंड में बैठ के मैं मुरली सुनाता उन लोगों, बस स्टॉप में हमारा सेंटर बस स्टॉप में था। वो गर्मी में बैठ के मुरली सुना के रोज मुरली धारणा वरदान ये सब सुना करके हम जाते थे। और अमृत वेला में उड़ के इतनी लोग, 6 लोग तो बेड बाजू बाजू में ही था, तो हमें ऊपर बेड में बंक बेड था, ऊपर बैठ के मैं उठ के बैठता है, लेकिन लाइट नहीं डाल सकते है और कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं बैठते थे और बाबा को याद करते थे। फिर लोग जब 5 बजे उड़ के जाते तो मैं जो हिंदी अव्यक्तवाणी नोट में ऐसे लिखते थे, मुरली पढ़ने के हिसाब से लिखते थे, और उन लोग पूछते थे क्या कर रहे हो आप। तो मुझे भी इतना भी ये नहीं था, अभी बोलेगा तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा बोल के, मैं उनको बोला नहीं ये तो भगवान का ज्ञान है हम पढ़ रहे। मैं बोला मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अभी दुबई में आएगा तो हिंदी की जरूरत है, हिंदी बात करने के लिए पढ़ रहा हूँ, तो ऐसे बोलते थे। फिर एक दिन जो भट्टी रखा, उसी टाइम में एक दिन भट्टी चला एक पार्क में शारजा में। एक ऐसे दुबई में हर फ्राइडे पिकनिक होता था, बाहर क्लास रहते थे, पार्क में क्लास रहते थे, तो पूरी फैमिली आते थे पार्क में, दीदी मुरली सुनाते हैं और उसके बाद बहुत खेल पाल चलते थे। हर फ्राइडे इधर छुट्टी है तो दीदी मुरली, तो दीदी के मुरली सुनकर बहुत उमंग उल्लास आते थे। दीदी बहुत नशे से मुरली सुनाते थे, अनुभव की कहानी, त्याग तपस्या और महावीरों की कहानी सुना के हमको बहुत उमंग उल्लास चढ़ाते थे। तो मैंने को बोला ये बाबा मैं नहीं जानता मेरा जॉब क्या है, मैं कहाँ रहता है, मुझे रोज मुरली सुनना ही है। मैंने बाबा को पक्का बोल दिया, मुझे पता नहीं मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कौन सी जॉब करता हूँ, मुझे रोज मुरली सुनना, आप मुझे ऑप्शन करना ही है बोला। जैसे मैंने बाबा उन्होंने सुन लिया बाबा, जैसे मैंने कहा उसी हफ्ते में मेरा जो सुपरवाइजर इंडिया में जा रहा था, तो उसकी वैकेंसी, वो शारजा में रहते थे, तो उधर उनके रूम में खाली खाली हो गया था। तो मुझे बोला मैं, आप शारजा में आके रहो, तो मुझे
खुशी हो गए, मैं शारजा में आके रहा। जैसे रानी बहन ने बोला मैं शारजा में आया, तो रानी बहन ने बोला सामने मेरा जो अकोमोडेशन की सामने से भाटिया भाई बोल के एक भाई उसी टाइम में मुरली कोर्स कंप्लीट करके कंप्लीट किया था। तो रानी बहन ने बोला भाटिया भाई आपको विशांत भाई को रोज लेके आना है। तो उनको अमृत वेला के भी मालूम नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन वो थोड़ा बुजुर्ग भाई था, लेकिन उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया। मेरे को बहन ने बोला ठीक है इनको रोज लेके आना है। तो मुझे तो मैं राजा हो गया उसी टाइम में। मुझे क्या खाली नहा धोके हमारे बिल्डिंग के सामने खड़ा होना है, मुझे गाड़ी में लेके जाएगा, मुरली सुनाए, मुरली सुन के और हमको वापस छोड़ देंगे। तो ये तो पूरा वापस एक हफ्ते के बाद वो भाई वापस आया तो मुझे बोला अभी आपको वापस दुबई जाना है। मैं बोला मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को आप छोटा सा एक चारपाई डालने की एक जगह दो, मुझे कटे वटे कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे तो शारजा में रोज आना है, मैं कोई भी कोने में रहूंगा, आप मेरे लिए कोई जगह नहीं बनाओ, मैं कोने में रहूंगा लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने सुन लिया ठीक है आप नहीं जाओ। फिर मुझे पूरा उसके बाद बाबा मेरे लिए एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्स्ट्रा उनको दिया। शारजा में एक ही बिल्डिंग था तो एक्स्ट्रा एक बिल्डिंग बाबा ने दिलवाया कंपनी को। मैं ऐसा सोचता हूँ मेरे लिए बाबा ने एक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को दिया। तो उसमें हमको रूम भी दिया बहुत अच्छे से हमको हमको रहेगा। पहले हम छत में रहते थे, एक जगह नहीं था बोल के लिफ्ट रूम में छत पे हम लोग में रहते थे लिफ्ट रूम के अंदर। वो लिफ्ट की आवाज कटपट आवाज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। खाना बनाने का छत पे, नहाना छत पे, दुबई जैसे शहर में मैं छत पे 8 महीना में रहा, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं था। मैं एक छत में रहता हूँ, बाबा क्या करते हो आप, मुझे क्या सेंटर पे आना है, सेवा करना है, ये बस छत पे रहो कहाँ पे रहो उसमें क्या है। लेकिन परिवार भी इतना प्यारा, और थर्सडे रात को हम निकलेंगे सेंटर पे, सेंटर पे रहेगा फ्राइडे पूरा दिन और सैटरडे सुबह में जॉब में आएगा। तो मुझे लगता है मैं सेंटर पे ही हूँ, ऐसे लगता था। तो ऐसा सेंटर में बहुत प्यार से शारजा में चलते गया। तो ये बात शारजा की बात है। उसका शारजा का जो भी बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो मुझे लगा अभी मैं दुबई में जाएगा तो ये क्या हालत होगा मेरा। तो मैंने जॉब रिसाइन कर दिया। अगर बाबा की कर में नहीं जा सकते, अभी सेवा भी नहीं कर सकते, तो फिर मैं रह के क्या करना है। तो तब तक मेरा बैंक का जो भी देन के लिए जो भी जो उतार लिया था सब चुकतू हो गया था। तो मैंने निश्चिंत होकर के मैंने बाकी इंडिया में जाऊंगा ठीक है, अब बस खत्म हो गया मेरा पार्ट। तो मैंने ऐसा रिसाइन किया। तो रानी बहन को बहुत चिंता हो गया, तो उन्होंने मेरे लिए जॉब ढूंढा। एक भाई उधर से एक सुनील भाई बोल के उनका कंपनी में मेरे लिए एक जॉब बना के मेरे को वीसा देने वाला था। तब तक दुबई की सेंटर में सेवा के लिए आते थे हम लोग, तो हमको इतना कनेक्शन नहीं था। दुबई दीदी से मुरली सुनते थे फ्राइडे और सेंटर में इतना कनेक्शन नहीं था। लेकिन जैसे इधर नया घर बनाया बाबा का जो भवन, तो उसमें हर फ्राइडे आके सेवा करना शुरू कर दिया। तो बहुत फ्राइडे हमको सेवा ही करना है। तो जैसे सेवा करते करते घर बनाया बाबा ने, घर का इनाग्रेशन दुबई किला का बाबा ने खुद इनाग्रेट किया था। तो मुझे मुरली सुनने के बाद उस दिन में मुझे साइन करना था नया जॉब के लिए। तो मैंने अंदर अंदर संकल्प आया, देखो बाबा ने इतना बड़ा भवन बनाया और इस भवन को ऐसे ही मैं मुझे इतना पैसा मैंने इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया भवन बनाने के लिए। मेरे अंदर ये संकल्प आया ये भवन को ऐसे ही मेंटेन करने के लिए कोई तो चाहिए, ऐसा एसी। तो पूरी इतनी 5 साल में बाबा ने मुझे पूरा ट्रेनिंग दिया इलेक्ट्रिकल का, वैसे इलेक्ट्रिशियन पढ़ाया गया लेकिन एसी इलेक्ट्रिकल कारपेंट्री सबके साथ जाके मैंने सीख लिया था। तो मुझे लगा मैं एक थॉट आया, फिर मैंने क्योंकि जॉब आज नया जॉब शुरू करना है, तो दीदी को मैंने बोला आज मैं जाऊंगा, जल्दी जाना है क्योंकि नया जॉब के लिए साइन करना है। तो दीदी ने बोला शाम को जाने के टाइम मुझे मिल के जाना, तो मुझे पता नहीं था। तो दीदी शाम को मिला तो दीदी ने बोला आप समर्पित होंगे, मैंने बोला हाँ। एक सेकंड में बोला हाँ बोला। दीदी बोला ये कौन सा है। दीदी बोला आप सोच के बताओ, मैंने पूरा हिस्ट्री ले लिया दीदी क्या 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 है कैसा है सब।
तो मैंने बोला हाँ दीदी, बोला आपको 24 आवर्स में देता हूँ, आप आराम से सोच के बताना। तो मैंने बोला हाँ। तो दीदी दूसरे दिन मैंने मेरे से पूछा आपने सोच लिया? मैंने दीदी मैंने तो कल ही बोला मैंने समर्पित हो जाऊंगा। तो दीदी ने मेरे को बोला, जैसे मैंने बोला मैं रिजाइन कर दिया था ना, तो लास्ट डे अप्रैल 30 वो मैंने अप्रैल में लास्ट दिन था, मैंने बोला कंपनी वालों को, मैंने लास्ट दीदी को बोला मैं मई फर्स्ट को सेंटर में आऊंगा समर्पित हो जाऊंगा। तो मैं उस नशे से सब वाइंड अप कर दिया और अप्रैल लास्ट डे में कंपनी को फोन करके बोला मैं अभी आज से मेरा जॉब नहीं है, आप छुट्टी देंगे? तो उन्होंने बोला आपका रिसेंट लगना लिया ही नहीं हमने, अगर आपको पक्का है, बोला सैलरी बढ़ा कर देंगे जो भी करेंगे। मैं बोला मुझे सैलरी भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अभी आप छुट्टी दो। तो बोला अभी ऐसे नहीं कर सकते, आप एक महीना और करना काम करना पड़ेगा। मैं बाबा को बोला, मैं बाबा को वायदा दिया है 1 तारीख मैं सेंटर पे आऊंगा, मैं आऊंगा ही आऊंगा, कंपनी के बारे में मुझे नहीं मालूम। मैंने कंपनी को बोला नहीं, मैंने साथ में काम करने वालों को बोला मैं इधर से जा रहा हूँ, कि कंपनी वालों को पता नहीं चलना चाहिए मैं इधर नहीं हूँ, मेरा काम आप लोग करो, सैलरी 1 महीने का सैलरी मैं आप लोग को देगा, लेकिन मेरा काम आप लोग करना है, कोई भी इमरजेंसी काम है तो बुलाओ, फटाफट मैं आ जाऊंगा काम करूंगा, लेकिन कंपनी वालों को पता नहीं चलना था, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला। मैं 1 तारीख को बाबा के घर पे आके समर्पित हुआ और पूरा फिर वाइंड अप हुआ, बाबा मेरे लिए सारा प्रबंध किया, फिर दीदी की पालना में बहुत प्यार से चलना, दीदी बहुत स्ट्रिक्ट है, हमारा जो दीदी थी बहुत प्यार भी है, और प्यार इतना दिखाएंगे नहीं लेकिन अंदर अंदर आपको पता है इतना प्यार है, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत दीदी को ये है हर चीज एक्यूरेट अलर्ट एवर रेडी रहना चाहिए, हम भी एक दिन भी सुस्ती नहीं कर सकते, अमृत वेला सेंटर पे तो रोज अमृत वेला सुबह सुबह, एक दिन भी मिस नहीं कर सकते, अमृत वेला के बाद सो नहीं सकते, सेंटर में बहुत ऐसे कारोबार, लेकिन बहुत प्यारा परिवार मिला दुबई में, सेंटर में बहने भी हमको इतनी अथॉरिटी है सेंटर में रहने के लिए, मेरे को था मैं सेंटर का ही हूँ, मुझे नहीं लगा मैं इधर समर्पित हो गया हूँ, मैं ऐसा मुझे ऐसा कभी फील नहीं, मैं बाबा का ही हूँ, मैं बाबा का, तो ऐसा बहनों को मेरे साथ संस्कार मिलने की एडजस्टमेंट होना चाहिए ना, तो कभी कभी बहनों के साथ थोड़ा थोड़ा चिंचाट मैंने चक्कर होता है, लेकिन बहुत प्यार से वो सब उन्होंने मेरे को माना, मेरे को चलाया, बहुत पालना दिया, दीदी भी बहुत मुझे ट्रेनिंग दिया, बहुत बहुत ट्रेनिंग दिया, अभी भी ट्रेनिंग चलता रहा। तो आप कभी कभी कुछ गलती हो गई तो विशांत तुमको कितनी साल चाहिए और सीखने के लिए तो ऐसे बोलते बोलते हैं, बीच बीच में कुछ गड़बड़ होता है तो बोलते हैं कितनी साल हो गया आप समर्पित होकर? तो मेरे 8 साल हो गया मैं समर्पित होकर, अभी भी मेरा एनर्जी तुम लेते हो ऐसे बोलते, तो हमको अंदर से लगता था ये क्या है, कब तक ये सीख चलता रहूंगा, बोलते थे, मैं बोलेगा दीदी हम ठीक हो जाएंगे एक दिन, कभी कभी गुस्सा भी आता है तो, लेकिन दीदी समझ लेते हैं गुस्सा आता है तो इसको थोड़ा सा, फिर थोड़ा दिन के लिए दीदी भी थोड़ा सा शांत हो जाता है, फिर मेरे को मनाते हैं विशांत इधर आओ कुछ बोलेंगे, कुछ कहीं लेके जाएंगे, फिर जानबूझ के बोलेंगे ये क्या है वो क्या है, ताकि हम बोल चुप भी नहीं रह सकते, तो फिर ऐसे दीदी मना के फिर ठीक कर देते हैं, ऐसे पालना में पलते हैं, मना बहनों का भी है बहुत प्यार से, बस आप लौकिक परिवार में भी इतना पालना हमको नहीं मिला, इतना अच्छा बाबा की। मेरा समर्पित होने के समय बहुत लोग बोलते थे समर्पित लाइफ बहुत मुश्किल है, आपको सेंटर की लाइफ का पता नहीं है, और बहुत 2-3 साल ठीक है चलेगा, उसके बाद बहुत मुश्किल होगा, सेंटर की लाइफ बहुत टफ है, अपने हिसाब से नहीं चल सकते, बहुत बोल देते। मैं बोला कोई बात नहीं, बाबा की काम ही है तो मरना ही है, एक बार मरना है तो बस जॉब करो घर में रहो, कहीं भी मरना ही तो है, तो ठीक है बाबा की गोदी में तो मरेंगे, तो एक बार मर लिया माना फिर क्या है। तो उस नशा बाबा हमेशा हमको आगे रखा, देखो आज भी दीदी की इतनी प्यार है, बहनों को सबको अनुभव सुनाने के लिए बोला, दीदी ने बोला विशांत को भी दो अनुभव सुनने के लिए। मजे की बात है बहुत, जो एक दिन सेवा करके मैं थक गया तो मैं सो गया तो मुझे स्वप्न में दीदी दिखाई दिया, फिर दीदी ने ऐसा मुंह ऐसे ऐसे चेंज किया, फिर जैसे वापस देखा वो बाप दादा
जैसे गुलजार दादी की चेहरा और इधर इतनी चमकते हुए बाबा, और जैसे बाबा को मैंने वो जो लाइट देखा नींद में, और मुझे ऐसे करंट जैसे फील हो गया। तो मुझे लगा बाबा बोलते योग में करंट मिलता है, ये मैं स्वप्न में अनुभव किया जैसे करंट। पर बड़ों की जो आशीर्वाद हमको दुभाग्य के रूप में हमेशा हमारे पास है, वो एक अनुभव होता था। फिर एक बार मैं नींद में बहुत अच्छा था मुझे, नींद में मैं हमेशा कोर्स कराता है, मुझे कोर्स कराने के लिए बहुत इच्छा है, तो हमेशा कोर्स में कोई कोई क्वेश्चन पूछेगा उल्टा बाबा के ज्ञान के विपरीत, तो मैं तो इतनी नशे में नींद में स्वप्न में कोर्स कराते तो याद रहता है, याद में ऐसे क्वेश्चन पूछा, मैं इतनी जवाब उसको दिया, बाबा के नॉलेज दिया, तो ऐसा। फिर एक दिन बाबा से बात कर रहे हैं नींद में, तो बाबा बात करते करते मैं मलयालम में बात कर रहे, तो मुझे बीच में संशय आ गया, अरे ये तो बाबा हिंदी बोलते हैं, ये मैं मलयालम में बात करते तो बाबा को समझ में आता है कि नहीं। जैसे मैंने कहा बाबा एक आंग ऐसे करके बोला मेरे को सब कुछ मालूम है ऐसे रियल प्रैक्टिकल बाबा बोल रहे हैं, ऐसे आंग बंद करके बोल रहे मुझे सब कुछ पता है। तो मुझे इतना नशा, नहीं तो हमेशा करते मैं हिंदी में बोलू मैं मलयालम में बोलू, तो बाबा बोलते मलयालम में बोलो, हिंदी में बोलो, तेलुगु में बोलो, मैं सब लैंग्वेज को मुझे पता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी कहानियां होते बीच में, बहुत सारी कहानियां पता नहीं याद नहीं है, ठीक है इतना बस है। ओम शांति। आज इतना अच्छा लगा, देखो पुराने, देखो जितना हम पुराने याद करते हैं बाबा की यादें आती है, बचपन का दिन याद करते तो आज भी वो नशा चढ़ता है, और ये नशे से हम पलते हैं बहुत प्यार से, बहुत 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 भाग्यशाली हूं मैं, और आप भी मुझे ये चांस दिया, और आप सबको बहुत बहुत देके भी बहुत नशा से आप लोग भी सुना, और मेरे और उमंग उल्लास बढ़ गया, और आप सबको दिल से मेरे तरफ से थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, और आपने भी बहुत अच्छे से नशे से बातें सुनाई, और जो छोटे बंदे आप कहते थे कि ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन आप इतने आगे बढ़ गए और भगवान से नाना करते प्यार ऐसा कर रहे थे, इतना निश्चय हो गए, जो जीवन में पेपर आए वो पेपर आपको पेपर ही नहीं लगे, तो ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा को हमारा दशक नमन, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आपका अनुभव कुमारों के लिए बहुत बहुत प्रेरणादायी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। डॉक्टर साहब ओम शांति। ओम शांति। आपके अनुभव सुने थे हमने ना, एक बार अनुभव रखा था ना दुबई में, सुनाया था अनुभव। अच्छा हाँ हमने सुना, अभी चंपा बहन का बाकी रह गया। चंपा बहन चंपा बहन का अनुभव सुनने आपको बड़ौदा में आना है। आदर्श ब्रह्मा कुमार, लवली कुमार, प्यारा कुमार, बाप दादा और सारे विश्व का प्यारा कुमार, भोला कुमार, मीठा कुमार, कितनी महिमा। अच्छा अनुभव बताया आपने, अनुभव किया और बताया, तो बहुत बहुत खुशी हुई, और भी सारे वर्ल्ड वाले लोग देखेंगे सारे, तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगे, उमंग आ जाएगा। उमंग आपका इनहरेंट नेचर है बाप दादा से मिला हुआ, तो आपकी ये अनुभव से ही अनेकों को खुशी मिलेंगी। बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई आपने, और सब खुश हुए, यहाँ के भाई बहन भी बहुत खुश हुए, भाई सभी नरसी दादा सभी हाथ उठा के अपनी खुशी व्यक्त करो अपने प्यारे कुमार को। आपकी उम्र कितनी है? उम्र तो लगती नहीं है। उम्र तो अमर अभी 40 हो गया, 40 अमर है, 40 का तो लगते ही नहीं हो, एकदम छोटे लग रहे हो, जैसे अभी पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे। हम लोग जब 40 वाले हैं, मेरा ज्योतिका बहन, स्मिता बहन, गायत्री बहन, सब सेंटर वाले, सब इस साल 40 हो गया, अभी सही मार्ग में भी सब मई महीने ऐसे इकट्ठा हो गया। लेकिन आप दिखाई बहुत छोटे दिखाई दे रहे हो।
अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। अभी तो कोई जॉब तो है ही नहीं ना, अभी तो यही को जो बिजी है सारा दिन, क्योंकि मेन सेंटर होने के कारण सुबह से शाम तक बहुत बिजी है सब। बाबा का काम तो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही रहेगा और बिजी। और इधर इतना अच्छा है और सब तरह से लोग आते हैं, उनकी भी देश विदेश से भी इधर ही आते हैं, इधर आके जाते हैं, तो सबकी सेवा करने का, इंटरनेशनल सेवा करने का भी चांस है बहुत। सबको मिलना करना, सब अनुभव सुनना, सब अच्छा, बहुत अच्छा। तो 40 वर्ष में से वो 40 के आगे से 0 हटा दीजिए। हाँ, ये क्या बात है। क्योंकि बाबा का जो कुमार है ना, बाबा कहते ना सनत कुमार, वो सनत कुमार जो है केवल उनकी आयु 5 वर्ष दिखलाते हैं सनत कुमार की। तो आप सब बाबा के सनत कुमार हो बच्चे। इधर भी बहुत कुमार है, मुझे तो दुबई में बहुत अच्छे अच्छे बारिश कुमार है। मैं आने के बाद और 2 कुमार सेंटर में समर्पित हुआ, 2 सेंटर, 2 कुमार और जोड़ गया। और कुमारों को भाई को पहचानते हो? कौन सा भाई को? देखा है जब हम 2011 में वहाँ दुबई गए थे ना, अभी जो बोल रहे हैं। हाँ हाँ, 2011 में मैं दुबई गया था, तो वहाँ वो जो रशियन एम्बेसी के सामने बिल्डिंग थी ना, हाँ हाँ हाँ, उसमें हम आए थे, तो आपको देखा हुआ लगता है। लेकिन इनकी ये बात है कि छोटेपन में ब्रह्मा बाबा के साथ रहे। हाँ अच्छा। हाँ, और बाबा मुरली में नहीं कहते, शिव बालक रात को पहना देता है, गायों को संभालते थे, बाबा का कमरा सजाते थे। तो ये शिव कुमार भाई है। बाबा और मम्मा दोनों के लाडले थे। मम्मा मम्मा बहुत प्यार करती थी। छोटेपन से इनका सारा परिवार बाबा के सामने समर्पित हुआ। ये छोटा बाबा उसको बच्चू बोलते थे, बच्चू इधर आओ। इसका भी अनुभव तो है, यूट्यूब में आप सुनना। हाँ, उनका अनुभव सुन लेना यूट्यूब में, बहुत अच्छा अनुभव है। आप लोग तो सबके अनुभव की गाथा बना दिया शिव स्मृति में। इतना अच्छा अच्छा अनुभव, इतने आर वीक में सबको उमंग उल्लास बढ़ाने के लिए कितना निमित्त बनाए आप लोगों को, कितनी दुआएं होंगे, आप कितने इकट्ठा करता होंगे पूरे बड़ौदा, कितना महान आत्माएं होंगे उधर। आप लोग भी साथ में देते हैं ना मन सामने आने के लिए, नहीं तो हम किसके सामने सुनाओ। तो जैसे जो में आते हैं बड़ौदा की महिमा करते हो, बड़ौदा आ जाना, जरूर जरूर आएंगे। आप तो बड़ौदा में ही बैठे हैं, बड़ोदरा अभी ऑनलाइन में बैठे हैं, अभी सागर में भी आएंगे जरूर। हिमानी बहन अभी